दोस्तों 2003 में मशहूर साइंटिस्ट मार्टिन रीसे ने एक किताब लिखी थी आर फाइनल आवर्स नाम की, जिसमें ये बताया गया था कि नियर फ्यूचर में इंसानी सभ्यता बहुत ही बड़े डिजास्टर का सामना करेगी, यानी कि इंसानों का अंत काफी पास है। लेकिन वही कई लोग ये भी कहते हैं कि ये तो बस हमारी शुरुआत है और अभी हम और भी बहुत सारी तरक्की करने वाले हैं। पर आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बचा लेगी और धरती को स्वर्ग बना देगी, या फिर ये जगह हमारे लिए नर्क बन जाएगी और हम अभी ये जो देख रहे हैं ये बस कुछ सालों का छलावा है? और क्लाइमेट चेंज जो आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्या सच में कुछ ही सालों में क्लाइमेट चेंज पृथ्वी को बर्बाद कर देगा? ये बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट चेंज का सच। आज के वक्त में हमारे लिए जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वह है क्लाइमेट चेंज। पहले तो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आप क्लाइमेट चेंज को खुद महसूस भी कर सकते होंगे। पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर में होने वाले छेद और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी इस धरती को दूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से धरती का तापमान हर साल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको ये पता होगा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी हुई थी और बिल्कुल उसी तरीके से हर एक चीज पर असर डाल रहा है। तो क्या हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कभी कम भी कर पाएंगे? ईडा उकेन नाम की एक रिसर्चर हैं जिनका मानना है कि साल 2030 तक आज के मुकाबले कार्बन एमिशन काफी हद तक कम हो चुका होगा। आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली कार की जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग भी धीरे धीरे ये समझ चुके हैं कि क्लाइमेट में बदलाव कोई मजाक नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई छोटा छोटा स्टेप ले रहा है इन सब चीजों को कम करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने भी हाल ही में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था और अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वह भी इसके बारे में जागरूक हो रही है, जिसकी वजह से वह भी कम से कम पॉल्यूशन करने की कोशिश कर रही है। और साल 2030 तक हमें किसी भी हालत में ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर पाए तो हम सबका घर के बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के वक्त थोड़े वक्त भी मास्क लगा के जाने में हालत टाइट हो जाती थी, लेकिन इससे बचने के लिए तो गैस मास्क लगाने पड़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो पानी, जमीन, हर चीज खराब हो जाएगी। आज के वक्त में जहाँ जहाँ अनाज उगाए जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब वहाँ पर अनाज उगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे बचने के लिए C40 सिटीज, क्लाइमेट अलायंस जैसी कई कंपनी है जो कि काम कर रही है, लेकिन अगर डेटा को देखा जाए तो हर साल के साथ हालत बस खराब होती जा रही है। ऐसे में क्या हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है या फिर चीजों को और बद से बदतर बना सकती है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क जर्मन का मानना है कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। आज जहां पर हम ऑफिस में जाकर काम करते हैं वैसा नहीं होगा। हम काफी ज्यादा फ्री रहेंगे और काम करने के ज्यादा आसान तरीके ढूंढ निकालेंगे। आगे के समय में कंपनीज एम्प्लॉयज को रखने की जगह पर बड़े बड़े सर्वर को रखेगी, जिन्हें अंत में आकर कुछ लोग ही ऑपरेट करते होंगे, लेकिन वह एक प्रकार से एम्प्लॉय नहीं होंगे बल्कि सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। और इस हिसाब से अगर आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है तो आप काफी ज्यादा पॉल्यूशन करने से बच सकते हो और तभी बिजली पैदा करने का भी काफी अच्छा तरीका मिल जाएगा। और ज्यादातर बिजली जो है वह सोलर एनर्जी से चलेगी, यानी कि हमें बिजली खत्म होने का टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन वही हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए और हमारे फोन और बाकी जो हमारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं जो हमें आजाद महसूस करवाती है, हो सकता है वही हमारे लिए सबसे बड़ी कैद बन जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, जिस पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग अपने डाटा को शेयर करते हैं, वैसी बड़ी कंपनी पर डाटा थेफ्ट और डाटा बेचने का आरोप लगता रहता है। ऐसे में अगर फ्यूचर में जाकर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चाबी लग जाए तो हम सबकी प्राइवेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और आज हम इन सब चीजों पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम अपने प्राइवेसी को इग्नोर कर सकते हैं, स्लेन बन सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त के एंटरटेनमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम अब रह ही नहीं सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बड़े और पैसे वाले लोग इस चीज से बच जाएंगे तो ये सच नहीं है। माइकल होरोविट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर है, उनका ये मानना है कि इससे बड़े नाम वाले और अमीर लोग भी नहीं बच पाएंगे बल्कि उनसे उनकी प्राइवेसी के लिए पैसे लिए जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतने वक्त से ये बात चल रही है कि हम साल 2030 या फिर साल 2026 तक ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे, तो उस प्लान का क्या होगा? मार्टिन रीसे के किताब के अनुसार कि अगर हम मंगल ग्रह तक पहुंच भी गए तो इसकी क्या गारंटी है कि सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच चीजों को बराबर बांटा जाएगा?
यानी कि अगर हम मंगल ग्रह पर पहुंच भी गए तो इतनी जल्दी वहां पर पूरी सभ्यता के रहने के लिए साधन तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। ये तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत जगह होगी जहाँ पर फिलहाल हम रह सकेंगे। और आपको पता होगा कि पृथ्वी की पॉपुलेशन थोड़ी बहुत तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर बस लोगों के रहने के लिए बेसिक कंस्ट्रक्शन करने में ही 50 से ज्यादा साल लग जाएंगे, और ऐसे में वहां पर खाना उगाना, पानी की सुविधा, ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। और ऐसे में अगर हमें साल 2026 तक या फिर साल 2030 तक मंगल ग्रह पर लेकर जाया जाएगा तो वहां पर हम सबकी मौत भी हो सकती है। पर क्या हो अगर सबको ना लेकर जाया जाए, बस कुछ गिने चुने लोगों को ही वहां भेजा जाए? तो यकीनन ये गिने चुने लोग वही होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर वह बहुत ही ज्यादा फेमस लोग हैं, जैसे कि बड़े पॉलिटिकल नेता, बिजनेसमैन, एक्टर्स और बाकी सारे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग। और इसलिए कई लोगों का ये भी मानना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये प्रभावशाली पर्सनालिटी हैं, ये सब मिलकर मंगल जैसे ग्रह पर रहने चले जाएंगे और बाकी आम इंसानों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे, और हम धीरे धीरे इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से मर जाएंगे। और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो इस वक्त लोगों को स्पेस में ले जाने और वहां पर जीवन बसाने की बात करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क की। वह मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने की बात तो करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वह साल 2026 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की शुरुआत कर देंगे, फिलहाल उनकी प्रोग्रेस को देखकर लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास फिलहाल रहने के लिए कोई ठोस जगह मौजूद नहीं है। और इससे ये बात तो तय हो जाती है कि अगर साल 2026 या फिर इसे कहे तो साल 2030 तक भी अगर मानव मंगल ग्रह पर जाते हैं तो वह बस कुछ गिने चुने लोग ही होंगे, और हो सकता है इसके कई साल बाद आम इंसान मंगल ग्रह पर जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि क्या हो अगर मंगल ग्रह पर जाने के लिए कोई जिंदा ही न बचे। पिछले कुछ वक्त से आपको पता होगा कि कितना लड़ाई का माहौल छाया हुआ है, सारे देशों के बीच आपसी तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हमने कई बार देखा है कि कई देश जब बड़े बड़े आमने सामने हो जाते हैं तो परमाणु हथियारों तक का भी खतरा बन जाता है। अब जैसे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, इसमें अगर लड़ाई और ज्यादा बड़े स्केल पर हो जाती और कई देश इसमें शामिल हो जाते तो इस बात में कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने तक की नौबत आ सकती थी। ऐसे में कई ऑर्गेनाइजेशन ये भी चाहती हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वह सब अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्पोज कर दे, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा खतरा इंसानी सभ्यता से टल सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी देश अपनी प्रोटेक्शन को हल्के में नहीं लेगा, हालांकि कोई भी देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं चला सकता है। और वही कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर न्यूक्लियर वार हो भी जाती है तो फिर भी धरती पर इंसानों की कुछ % आबादी जरूर जिंदा बच जाएगी। ऐसे भी इंसानों को धरती से पूरी तरीके से खत्म करने में और एक चीज भूमिका निभा सकती है, वह है बायोलॉजिकल वार। एक छोटा सा वायरस कितना बड़ा कारनामा कर सकता है, ये चीजें तो हमने ही देख ली है। अगर कोई ताकतवर देश चाहे तो ऐसे वायरस को अपने लैब में भी बना सकता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि कोविड को भी जानबूझकर फैलाया गया था। खैर, ऐसा वायरस इंसानी सभ्यता को खत्म भी कर सकता है। जैसे कि कुछ वक्त पहले वैज्ञानिक एक कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना चाहते थे, उसकी जगह पर उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक माउस पॉक्स वायरस बना दिया जो कि बस चूहों में फैलता है। लेकिन इनकी मॉर्टिलिटी रेट 100% थी, यानी जिस भी चूहे को ये होता वह मर जाता था। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि ये बस चूहों का होता है। पर क्या हो अगर हम खुद ही बस हमारा खात्मा कर दे? आपको पता होगा कि हमने धरती पर काफी तबाही की है। आज धरती में जो भी गलत हो रहा है वह सब कहीं ना कहीं हमारी गलती है। इसलिए कई लोग जो खुद मानते हैं कि इंसानों का यानी ह्यूमैनिटी का अंत होना चाहिए, इसलिए कई लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा नहीं करते हैं। आपको यह अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। VHEMT नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है वह बच्चों को पैदा नहीं करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम वॉलंटरी ह्यूमन एक्सटेंशन मूवमेंट। वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में क्लाइमेट चेंज इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है? और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।